फेल टू प्रोसेस फाइंड अदर रिक्वेस्ट। आपका भी यूसीएल सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह का दिक्कत आ रही है, परेशान आ रही है 2-3 दिन से लगातार आपको भी ये वाला प्रॉब्लम जो कि फेस करने के लिए पड़ रहे। तो भाई आज का वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि मेरा भी ऐसा लिख रहा था और मैंने जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल करके दिखाया है, जो कि आपके सामने ये देख सकते हो, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट कैप्चर सक्सेसफुली ये हो चुका है। तो ये मैंने कैसे सक्सेसफुल किया, बहुत जैसे कि एरर चल रही थी, एरर आ रही है, सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन दिखा रहे हैं। तो कैसे करने से हमें जो कि आधार को अपडेट या डॉक्यूमेंट अपडेट या मोबाइल नंबर लिंक या प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, उसके लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों 3 से 4 दिन हो चुकी है ये जो कि कंटिन्यूली हमारा ये जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, ये बार बार हमें शो कर रही है। तो भाई इस एरर को कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। और भाई बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि कह रहे हैं कि जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है उनका ही जो कि खोल रही है, और बाकी लोगों का ऐसे प्रोसेस में जो कि घंटा घंटा रह रही है और जो कि फेल टू प्रोसेस फाइंड आधार रिक्वेस्ट लिख के स्क्रीन पर शो हो रही है। तो भाई देखो ये सर्वर का भी इशू है, और भाई ये बायोमेट्रिक का भी इशू है, आयर स्कैनर का भी इशू है, ये सबका इशू है। आपको इसे समझना पड़ेगा और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे क्या ध्यान देना है, क्या करना है, मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई आपको आधार में यूसीएल सॉफ्टवेयर में अभी सर्वर डाउन के टाइम में आपको काम करना है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारा जो यूसीएल टीम का जो मैनेजमेंट जो टेक्निकल सपोर्ट सार है, वो यहाँ पर जो कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, डियर ऑल दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट करेंटली यू हैव फेचिंग फाइंड आधार इश्यू है एंड द कंसर्न टेक सपोर्ट टीम इज वर्किंग ऑन दिस, सो रिक्वेस्ट टू एवरी वन काइंडली वेट सेम टाइम विन इश्यू वेल बी रिसॉल्व आई वेल इंटीमेंट टू ऑल ऑफ यू। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो सत्यव्रता सार है यहाँ पर बताएं कि हमारा जो टेक्निकल टीम है वो सर्वर एरर के जो फाइंड आधार में हमें दिक्कत आ रही है, फाइंड आधार नहीं हो रही है, फेचिंग नहीं हो रही है, तो उनका दिक्कत के लिए जो हमारा यूआईडी टीम, जो सेंट्रल टीम है, जो रीजनल टीम है, वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। तो देखो भाई हमने 1 या 2 दिन वेट कर चुके हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रही है। तो भाई इस टाइम में हम कैसे इसे सॉल्यूशन निकालें इस सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहली बात भाई सभी को पता ही होगा, यहाँ पर जो सर्च बार होती है, यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पर आप सर्विस सर्च करो। सर्विस सर्च करने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर आती है इसमें ओपन करो, और आपका जो तीनों का तीनों जो सर्विस है ये देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आधार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आधार है होती है वो तीनों के तीनों आपको जो कि रिस्टार्ट करवाना है, और आपको नेट को डिस्कनेक्ट करके फिर से उसे रिकनेक्ट करवाना है, और फिर से दोस्तों आपको आधार फाइंड आधार में आपको ट्राई करना है। और आप वैसे ही आप करना चाहते हो तो भाई वहाँ पर काम नहीं बनने वाली है, क्योंकि 10 बार 20 बार 30 बार करने से एक एक बार जो कि वहाँ पर फेच हो रही है और वहाँ पर सक्सेसफुल हो रही है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनका जो कि 1-2 बार चला है और सबका जो कि ऐसा ही प्रॉब्लम चल रही है। 3 दिन हो चुका है सबका, जैसे कि इस भाई भाई का डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो काम है वो सक्सेसफुल हुआ है, किसी का भी ऑनलाइन अपडेट का जो काम है, जो करेक्शन का काम है, वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सबका फाइंड अदर एरर ही लिख के आ रही है। एक एक लोगों का जो कि यहाँ पर देख सकते हो अभी खुला है, एक एक लोग का नहीं खुल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है सब कुछ रिस्टार्ट करो, और आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। आप अपने दुकान पर लगा दो कि कुछ दिन के लिए सर्वर एरर है, आप कुछ दिन काम नहीं होगा, कुछ इस टाइप से बता सकते हो। क्योंकि भाई मैं तो 4 दिन हो गया मैं मेरा सॉफ्टवेयर को ओपन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये तो काम ही नहीं दे रही है। अब लोग तो जितने भी हमारा ग्रुप पर है सभी लोग बता रहे हैं कि आज काम नहीं कर रहे, किसी का चल रही है या नहीं चल रही, सब कुछ बता रहे हैं। तो भाई मैं वो देख कर ही मेरा सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो कि कितना बार ट्राई करेंगे, यहाँ पर नो लॉग इन आर एस वन साइंड अपडेट करो जी, बहुत कुछ मतलब यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत लोगों का जो कि दिक्कत आ रही है, मतलब पूरी यूसीएल सॉफ्टवेयर ऑल इंडिया में जितने लोग भी चलाते हैं सबका ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कि देख सकते हो प्लीज़ ट्राई अनदर 50 टाइम, मतलब ये भाई जो कि 50 बार यहाँ पर ट्राई किए थे फिर भी उनका नहीं कुछ हुआ। तो भाई समझ सकते हो आपको बस यहाँ पर वेट करना है और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक जब उनका सर्वर ठीक हो जाएगा तब आपका प्रोसेस आपका सामने आ जाएगा। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट अपडेट में काम कर सकते हो, वो थोड़ी बहुत काम कर रही है और बाकी कुछ काम नहीं कर रही है।
तो भाई वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर पर छेड़छाड़ ज़्यादा मत करो, और किसी का भी यूसीएल अभी काम नहीं कर रही है, बहुत ऐसे कम लोग का होंगे उनका एक दो बार काम कर रही है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आराम से ध्यान दो, ज़्यादा कुछ वहाँ पर काम मत करो, जब चल जाएगा तब करना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, दबा के लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार है दोस्तों, कुछ इस तरह का नए नए इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए वो लाल कलर का बताऊंगा दबा कुछ ना कुछ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।